हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज मैं बात करूंगा मिस मार्वल की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6 एपिसोड्स के बाद मिस मार्वल फाइनली एंड हो चुका है और इसकी एंडिंग से मैं कुछ एक्सटेंड तक सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि ये आने वाले ब्राइट फ्यूचर की तरफ हमें सिग्नल करती है। तो कमाला, कामरान, ब्रूनो और नाकिया अपने हाई स्कूल आ जाते हैं, क्योंकि कामरान काफ़ी ओवरचार्ज हो गया है। इसके बाद उन्हें स्कूल में जोई भी मिलती है, जो कि वहाँ टिकटॉक बना रही थी। तब वो सब मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं। कमाला बोर्ड पर प्लानिंग शुरू करती है, ऑल्दो वो पहले भी एक बार प्लान बना चुकी है जो बहुत बुरी तरह फेल हुआ था। कमाला का प्लान काफ़ी सारे आगे के सीन्स को फोरशेडो भी करता है और इस स्टाइल की डिजाइनिंग शो का एक प्लस पॉइंट ही रहा है। आगे जो सीक्वेंस हमें दिखाई जाती है वो काफ़ी ही चाइल्डिश फील होती है और वो हद तक होम अलोन जैसी वाइब्स भी दे रही थी। तब डीवीर को उसके बॉस का ऑर्डर आता है कि वो वहां से वापस आ जाए, पर वो उसके ऑर्डर्स को इग्नोर कर देती है और अपनी टीम को अंदर भेज देती है। कामरान और कमाला डीओडीसी के लोगों से छुप रहे हैं और वो नोटिस करते हैं कि उनकी पावर्स कंबाइन हो सकती हैं और वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी ब्रूनो वहाँ आ जाता है। फिर एक काफ़ी फनी चेस सीन और कामरान को अचानक अपनी मोम याद आ जाती है। कामरान के नाराज़ होने पर कमाला उसे बता देती है कि उसकी मोम नजमा मर चुकी है। अपनी मोम की डेथ सुनकर कामरान कमाला से ही लड़ना शुरू कर देता है। कामरान बाहर जंप कर लेता है और डीओडीसी वाले उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। कामरान उनसे लड़ने की पूरी ट्राई करता है, फिर भी कमाला बीच में आकर उसे अपनी पावर से एक शील्ड बनाकर बचा लेती है। तभी डीवर एक बड़ा वेपन निकालने का ऑर्डर देती है, जो कि सुपरसोनिक प्रोजेक्शंस मार सकता है और वो एक हमले से उन दोनों को उड़ा देती है। वो वेपन दोबारा रिचार्ज हो ही रहा था कि तभी कमाला अपने हाथ और पैर को बड़ा कर लेती है और उन्हें रोक देती है। वहाँ खड़ी पब्लिक कमाला को सपोर्ट और चीयर कर रही है और इधर कामरान डीओडीसी के गार्ड्स को पीट रहा है। कामरान बिल्कुल पागल हो चुका है और कमाला लोगों को एक मिलिट्री कार से बचा लेती है। यहाँ कामरान की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो कमाला उसे एक डोम में घेर लेती है। वो कामरान को बताती है कि नजमा ने अपना सेक्रीफाइस कामरान को बचाने के लिए दिया। ये सुनकर कामरान शांत हो जाता है और कमाला जमीन पर एक गड्ढा खोदकर उसे हार्बर तक पहुँचाने का रास्ता बना देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमाला टिकटॉक पर हिट हो चुकी है और कमाला को फाइनली कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस मिल गया है और उसकी आइडेंटिटी भी, क्योंकि एक ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन में उसके फादर कहते हैं कि कमाला हमेशा से ही उनकी फैमिली में स्पेशल रही है और वो उसे मिस मार्वल कहते हैं, और यहीं कमाला को अपना कॉमिक बुक वाला नाम भी मिल जाता है। हमें कामरान पाकिस्तान में दिखाई देता है और वो उसी होटल में जाता है जहाँ से रेड डैगर्स ऑपरेट करते हैं। एक वीक के टाइम जंप के बाद हमें ब्रूनो और नाकिया दिखते हैं, जो कामरान की कार में कमाला के पास आते हैं। ब्रूनो बताता है कि कमाला का जेनेटिक मेकअप को स्कैन करने के बाद उसे पता चला कि वो उसकी पावर से रिलेटेड गलत था। वो कहता है कि उसकी पावर नूर से नहीं बल्कि उसके सेल्स के अंदर एक तरह का म्यूटेशन है, जिसका मतलब ये है कि कमाला MCU की पहली म्यूटेंट है। इसी सीन में हमें X-Men द एनिमेटेड सीरीज का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है और इस सीरीज सीन के बाद हम आने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जो कि नेक्स्ट वीक ही है। इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें कमाला अपने बेड पर लेटी हुई है और उसका बैंगल अचानक ग्लो करने लगता है और तभी वहाँ कैप्टन मार्वल के साथ उसकी बॉडी स्वैप हो जाती है। पहले तो मुझे लगा था कि ये शायद कमाला की नई पावर्स है, जिसमें वो किसी का भी रूप ले सकती है जैसे कॉमिक्स में होता है, पर जैसे ही कैप्टन मार्वल कमाला के रूम को देखती है और
उससे ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि वो कैप्टन मार्वल ही है, क्योंकि कैरल परेशान होकर वहाँ से भाग जाती है और ये आने वाली द मार्वल मूवी को काफ़ी अच्छे से सेट भी करता है, जिसमें हमें कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल के साथ मोनिका रैम्बियो की फोटोन भी देखने को मिलेगी। अगर इन्होंने प्लेसेस स्वॉप कर दिए हैं तो शायद कमाला अभी कॉस्मोस में किसी उस जगह पर होगी जहां पर पहले कैरल लड़ाई कर रही थी और कैरल यहां अर्थ पर फंस चुकी है। सो इस इंटरेस्टिंग सीन के बाद एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना और ऐसी ही आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।